अब इस पर राय आपसे चाहेंगे निमिश, क्योंकि हमने देखा था कि वेदांता ने रिस्ट्रक्चरिंग डीमर्जर का ऐलान किया, उससे शेयर को सपोर्ट मिला। हालांकि अभी भी 240 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमने मूव देखा नहीं। क्या सलाह होगी आपकी मोहन के लिए, क्योंकि इनकी जो खरीद है वो 267 की है। क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वेदांता देगा या फिर कहीं और बेहतर मौके तलाशें? देखिए, वेदांता के अंदर बात है, काफी कंपनी के अंदर जो है वो इंटरनल इश्यू चल रहे हैं। जैसे एक डेट का इश्यू है, और जिस तरह से कंपनी डी मर्जर की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, पर्टिकुलरली इन एचएलए केस। मुझे लग रहा है ये एक न्यूज फ्लो ड्रिवन जो है वो स्टॉक की मूवमेंट हो गई है। और अगर आप देखिए एक कॉमोडिटी साइक्लिकल स्टॉक के अंदर जब आप हाई लेवल पे एंट्री लेते हैं, तब आपको एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहना है, रहना पड़ता है। अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर परचेस किया है, तो मेरी राय यही बनेगी कि ये स्टॉक के अंदर कब मोमेंटम आएगी वो कहना अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि प्योरली न्यूज फ्लो ड्रिवन जो है वो स्टॉक की मूवमेंट आती है। तो एक बार जरूर से लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिए, और कोई अच्छी स्टॉक के अंदर जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वहां पर आप स्विच कर देंगे, तो आपका लॉस जो है जल्दी रिकवर कर पाएंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है, तो मेरा व्यू है कि आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए, और जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक स्टॉक के अंदर बड़ी मूवमेंट जो है वो नहीं आएगी। तो आई थिंक अगर आप क्लियर है कि शॉर्ट टर्म है तो निकल जाइए, लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू। लेकिन एनडीटीवी, हमने देखा था कि लास्ट ईयर सितंबर में जो शेयर है ये 520 रुपये के आसपास तक गया था निमेश जी, और मोहन ये बता भी रहे हैं और उनकी हंसी बता रही है कि उनसे गलती हो गई है। एनडीटीवी में अभी 226 का भाव है, और ये 226 का भाव तब है जब इसमें हम थोड़ी सी बाइंग आते हुए देख रहे हैं। हालांकि बीच में हिंडनबर्ग वाला इशू भी हुआ, उसके चलते शेयर की पिटाई हुई, फिर रिकवरी का फेज आया, लेकिन इनके खरीद भाव से बहुत दूर है। क्या करें एनडीटीवी में? टीवी के अंदर मेरा मानना है कि ये प्राइस जगह उसके पास जगह है, तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, और नॉर्मल इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड है वो काफी बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीटीवी के अंदर अगर उसके पास स्पेस है तो एवरेज करना चाहिए, अदरवाइज ये काउंटर को होल्ड करना चाहिए एक साल के होराइजन से। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो परचेस प्राइस है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट आई थिंक एवरेज वुड बी ए गुड ऑप्शन। तो मैं आपको एवरेज करने की राय देता हूँ और आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ऑलराइट, तो एनडीटीवी में एवरेज करके होल्ड करने की सलाह दी जाए।